हमारे मौज़िन साहब हैं हाफिज़ अमजद, उन्हें ये बताते हैं कि आप नात बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं और मैं आपके मोबाइल से आपके नात की रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं और उसे फिर हम यूट्यूब पे डालेंगे और वायरल करेंगे। तो हाफिज़ साहब हमारे जो हैं वो नाबीना हैं मौज़िन, तो वो देख नहीं पाते, इस बहाने ये उन्हें लेके मस्जिद में आए और मस्जिद में आने के बाद नात रिकॉर्ड करने के बहाने से उनसे मोबाइल लिया और मोबाइल लेके फिर रिकॉर्डिंग करना शुरू की और उन्हें कहा कि आप नात पढ़ना शुरू करें। वो नात पढ़ते रहे और इस बीच ये 2-1.5 मिनट के बाद उठ के मस्जिद से रवाना हो गए और मस्जिद से निकल के फिर भाग गए। जैसे नात ख़त्म की मैंने तो मैंने हेलो हेलो किया उसको, मौला में यहाँ वीडियो बन गई, कुछ हुआ भी नहीं है उसके पास। सही, उसमें इजी पैसा मेरा अकाउंट था। अच्छा अच्छा, इजी पैसा अकाउंट था। उसमें कितने पैसे थे आपके पास? उसमें तकरीबन 35,000 के करीब लगभग पैसे थे उसके अंदर, कभी 2,000 कभी 1,000 कभी 500 उसमें डाल दिया था। मतलब अगर हम 2,000 भी लगाएं तो तकरीबन आपकी 1.5 साल की मेहनत, 1.5 साल की मेहनत है तकरीबन, 1.5 साल, मतलब 1.5 साल आप समझ रहे हैं ना, 1.5 साल की। वो भी हर महीने 2,000 नहीं, मतलब कभी 1,000 कभी 500 कभी 100 कभी 200 डालता रहता है। देखिए अब वो सोचे वो कितना कमजोर इंसान होगा कि जिसने बिल्कुल मस्जिद के आदाब का ख्याल नहीं रखा। अपनी दुनिया के अंदर बहुत ही कमजोर इंसान देखे होंगे, घटिया तरीन जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, मगर आज आपको जो कहानी सुनाने लगे हैं ना, आपको वो भी कुछ इंसान से बड़े बेहतर लगेंगे जिस शख्स की कहानी बताने लगे। ये मस्जिद है गुलशान जौहर में, बिल्कुल कराची यूनिवर्सिटी के सामने, जहाँ पर एक नाबीना मौज़िन के साथ एक फराडी, एक कमज़ोर, एक गलीज इंसान ने ऐसी हरकत की कि उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी छीन कर ले गया और उनको कहा कि आपको एक नातखा है, बड़ी अच्छी आपकी करत है, आपकी आवाज़ सुनते हैं लोग तो उसको ज़रा मकबूल बनाते हैं। उस तरह किस तरह से उसने झांसा दिया इन मौज़िन साहब को और किस तरीके से इनसे पैसे हटे और इनका मोबाइल किस तरीके से मस्जिद से ले गया, ये पूरी कहानी सुनाते हैं आपको और उस बंदे की शक्ल भी दिखाएंगे और CCTV कैमरे से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा, अक्सर आप मुझे देखते होंगे कि मैं बड़ा हंसता मुस्कुराता लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, मगर आज ऐसा हो गया कि घटिया तरीन शख्स ने जिसने एक मस्जिद है, इमाम मस्जिद मौज़िन जो है जाके इमामत करते हैं और नमाज़ पढ़ाते हैं या अजान देते हैं, उनको आकर लूटने की कोशिश की और लूट कर कामयाब भी हो गया, तो ये बड़ा एक दिल खराश वाकया था जिसे सुनकर ही बड़ी तकलीफ़ हो जाती है आपको ना। तो अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़ मोहम्मद अमजद नाम है आपका जी। हाफिज़ साहब, कौन सी मस्जिद में होते हैं आप और आपकी क्या जिम्मेदारी है यहाँ पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं यहाँ जामे मस्जिद दारुल हुदा गुलिस्तान जौहर में होता हूँ और यहाँ मेरी ज़िम्मेदारी अजान देने की है और यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं, तो 9 साल से मैं अजान दे रहा हूँ। 9 साल से माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने खुशनसीबी दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी बचपन से ख्वाहिश थी, मैं ये कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि वैकम मई को हमारे साथ ये वाक्य पेश आया तो उस बंदे ने जो मुझे कहा कि आपकी अब ये क्या करते हो, मैंने कहा मैं अजान देता हूँ। नहीं, थोड़ा सा वाक्य बताएं कि कहाँ बैठे हुए थे, किस कितने बजे का वाक्य था, किस तरीके से आपको आके मिला वो शख्स, अप्रोच किस तरह से की, ताकि लोगों को पता चले ना कि लोग किस तरह से फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं लोगों से। जी जी, पहले हम इधर यहाँ मदरसे में बेंच रखी हुई है जी, मैं यहाँ बैठा हुआ था, वो बंदा यहाँ पर आया, बातचीत चलती रही तो यूट्यूब के हवाले से इसने बात की कि आपकी अजान तो अच्छी है माशाल्लाह, तो आपको यूट्यूब पर वायरल होना चाहिए, होना चाहिए, आप मस्जिद में चले, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ और जो है ना फिर इस पर थंबनेल लगाएंगे ये वो, तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी फलाना डेम का, जो उसने बोला मुझे, तो उसने कहा पहले आप तिलावत करो, मोबाइल उसने मुझसे लिया, उसने कहा आप तिलावत करो, मैंने तिलावत शुरू की। अच्छा, तिलावत उसने सुनी, फिर कहा कि चलो आपकी बात अच्छी है, आप नात भी सुनाओ। तो जैसे मैं नात पढ़ना शुरू की, अब नात मैं पढ़ता रहा, जैसे नात ख़त्म की मैंने तो मैंने हेलो हेलो किया उसको, बोला आप यहाँ वीडियो बन गई, कुछ जवाब ही नहीं आया उसके बाद। सही, मतलब आप माशाल्लाह, क्योंकि जब नात पढ़ता है इंसान खो जाता है ना, तो आप उसके शहर में खो गए नात के कलाम जी, के जी जी जी। फिर आपको जब नात मुकम्मल हुई तो आपको ख्याल आया कि सामने बंदा बैठा हुआ है। हाँ। जी 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 जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो बंदा फरार हो चुका था? बंदा फरार हो चुका था। तो क्या क्या गया आपसे, किस तरीके से आपका मोबाइल जिससे वीडियो बन रही थी वो आपके मोबाइल से बन रही थी? मेरा कीमती मोबाइल था, उससे मोबाइल बन रही, वीडियो बन रही थी। तो आपसे क्या बोल के लिया उसने कि आपके मोबाइल से वीडियो बनाता हूं? जी 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 जी। अच्छा, और उस फिर पैसे वगैरह भी गए, उसमें क्या थे? जी, उसमें इजी पैसा मेरा अकाउंट था। अच्छा अच्छा, इजी पैसा अकाउंट था। उसमें कितने पैसे थे आपके पास? उसमें तकरीबन 35,000 के करीब लगभग पैसे थे उसके अंदर, 35,000 के करीब। जी जी। तो हाफिज़ साहब मुझे एक बात बताएं, मतलब पूछना चाहिए, कहते हैं कि मर्द की तनख्वाह ना कभी नहीं पूछनी, औरत की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि मदरसों में जो हमारे कारी साहिबान हैं या मौज़िन साहिबान हैं, उनकी तनख्वाहें बड़ी कम होती हैं, कितनी मुश्किलें जमा की होंगे पहले ये बताएं पैसे, क्योंकि लगता बड़ा आसान है ना कि यार ये 35,000 बोलेंगे, यार लोग बोलेंगे 35,000 क्या है, लेकिन 35,000 जमा करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है जब
और हमने तनख्वाह तो हमारी सही है, गुजारा मेरा अच्छा खासा हो जाता है, उसमें से ही बचा के मैं कभी 2000 कभी 1000 कभी 500 उसमें डाल देता हूँ। अगर हम 2000 भी लगाएं तो तकरीबन आपकी डेढ़ साल की मेहनत, डेढ़ साल की मेहनत है तकरीबन, डेढ़ साल मतलब डेढ़ साल आप समझ रहे हैं ना, डेढ़ साल की वो भी हर महीने 2000 नहीं मतलब कभी 1000 कभी 500 कभी 100 कभी 200 डालता रहता है। देखिए अब वो सोचें वो कितना कमज़र्फ इंसान होगा कि जिसने बिल्कुल मस्जिद के आदाब का ख्याल नहीं रखा, और आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये कह रहे हैं 2 से 3 साल तक वो पैसे जमा किए थे, वो पैसे जमा किस लिए कर रहे थे आप? मैं जमा कभी मुश्किल वक्त इंसान पर आ जाता है इसलिए बस जमा कर रहा था। अच्छा उस मुश्किल वक्त में, ठीक है। तो अब ये वाकया हो गया, तो अभी ये बताएं कि पहले कि अब चाहते क्या, किस तरीके से उस बंदे को पकड़े ना, क्योंकि कमज़र्फ इंसान को आपकी CCTV भी आपको बताया होगा कि आ गई है उसकी, आपकी इंतज़ामिया है, तो आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से अभी? हमारा यही मुतालबा कि मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उसको सजा दी जाए बस इंशाल्लाह। देखिए जितने भी लोग होते हैं ना बड़े मासूम होते हैं, सादा लोग इंसान होते हैं, तो उनको ये बड़ा झांसा देना बड़ा आसान हो जाता है, तो कोशिश किया करें कि किसी पे भरोसा ना करें, ये ज़िंदगी का असूल बना लें कि जब तक किसी इंसान को जाँच ना लें उस पर कभी भरोसा ना करें, क्योंकि एक से बढ़कर एक फ्राडिया मिलेगा ज़िंदगी में आपको, और चाहे वो दीन की बातें करेगा या दुनियावी की बातें करेगा, आपको अपने झांसों में इस तरह से घेरेगा कि आपको लगेगा यही मेरा सबसे अच्छा मोहसिन है, यही मेरे खिदमत करेगा, यही मेरे लिए काम करेगा, मगर वही सबसे बड़ा आपको धोखा देता है। तो इमाम साहब आपके हाफिज़ साहब आपके लिए दुआ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको एक बात बताऊँ अपने तजुर्बे से कि जो गए हैं ना उससे डबल ट्रिपल आएंगे, और अल्लाह ने आपकी जो इज़्ज़त तकरीम में इजाफ़ा किया है ना वो इंशाल्लाह, जैसे आप नात पढ़ते हैं क्योंकि ना भी आप नात भी सुनिएगा हाफिज़ साहब से, क्योंकि माशाल्लाह इनकी आवाज़ हमने सुना है कि बहुत अच्छी हो, करत भी बहुत अच्छी करते हैं, तो ज़रा आप इख्तिताम करते हैं, ज़रा आप प्यारी सी एक नात सुना दें बस। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना नाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली, मैं पहले पहल जब मदीने गया था तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली, वो दरबार सच मुझ मेरे सामने था, अभी तक तसव्वुर था जिसका ख्याली, खुला है सभी के लिए बाबे रहमतें।